अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेघना, हम तो ये सोच के निश्चिंत थे कि हमला जो हुआ है ना वो सुनैना पर हुआ है, बउवा पर नहीं। लेकिन हमको जैसे ही बात पता चली कि बउवा पे जो हमला हुआ है उसमें नरेश सिंह का हाथ था, तो हम एकदम से चौकन्ने हो गए और रुस्तम को हमने काम पे लगा लिया। और फिर हमारे सामने ये बात भी आई कि रोशनी रिसोर्ट में जो ट्रक वाला हमला हुआ है ना, ये बउवा पर हुआ था, सुनैना पर नहीं। नरेश सिंह अपने अपमान का बदला हमारे घर के चिराग को बुझा के लेना चाहता है, लेकिन हम भी ना राजकुमारी सिंह हैं, बर्बाद कर देंगे उनको। ऐसा बर्बाद करेंगे ना कि उसे साफ पुस्ते भी याद करेंगे। बिल्कुल जी जी, लेकिन जी जी क्या कीजिएगा, रिश्तेदारी निभाएंगे। प्यार और ईमानदारी से पहले उनका दिल जीतेंगे, फिर उसका सब छीन लेंगे, सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे, हम उनको भिखारी बना देंगे। बिल्कुल सही बोलिए आप जी जी, ऐसा वार का बदला तो सूद समेत ही लेना चाहिए। चीची, किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, नमन को भी बात पता नहीं चलनी चाहिए। बात तुम्हारे और हमरे बीच ही रहनी चाहिए। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी जबान चुगली करने के लिए लपलपाए ना, तो ये समझ लेना कि तुम्हारी जबान को हम काट के फेंक देंगे। नहीं नहीं चीची, अब टेंशन नहीं लो। आई एम सॉरी माँ, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बहुत परेशान किया है। देखो बउवा, बचपन में तुम्हारी सारी शरारतें भुला दिए हूँ, अभी भी तो तुम हमारे लिए बउवा ही हो ना, तुम्हारी बात हम दिल पे लेंगे का ना। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और हमको फोन करते रहना, ठीक। और सुनो बउवा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम पटना गए हो। क्यों माँ? हम कह रहे हैं ना, वह जरूरी बात मुझे। खुश रहिए, जीते रहिए। देखो नमन, ना अच्छे से ख्याल रखना और किसी का दिया हुआ कोई खाना मत खाना और किसी अजनबी से बात भी मत करना। सब ना, अरे बउवा बउवा कहते हैं का मतलब ये नहीं है कि बउवा है ये, है? अरे भूल गई, अमेरिका से पढ़ के आया है, है? ये तो है। मैं चलता हूँ। बउवा, खुश रहना तुम और फोन करते रहना हमको। हाँ जीते रहो। मेघना, पहला दांव खेलने का वक्त आ गया है। राजकुमारी। भैया भैया, राजकुमारी आई है, हम देखे खिड़की से, वो गाड़ी लेके गेट के अंदर घुस गई है। अब कौन सा नया तमाशा शुरू हो रहा है? दादो साहेब, बाबू साहेब माफ कीजिएगा, बिना खबर किए चले आए हैं, और से भी पहले हम जैसे बहुरिया को यहाँ छोड़ के गए थे ना, उसके लिए भी माफी चाहते हैं। करें हम इतना परेशान थे ना, इतना टेंशन में आ गए थे कि हमें समझ ही नहीं आया बाबू साहब कि हम बहुरिया के साथ इतना गलत कर रहे हैं।
हमको बहुरिया से भी माफी मांगना है और सुनैना बिटिया हमको माफ कर दो, हम तुमको लेने आए हैं, चलो अपने घर। तुम्हारी सास, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है बहुरिया। क्या हुआ, आज सोच कर रही हो है? देखो बहुरिया, अब जैसा भी है तो तुम्हारा पति ही ना, और वो प्यार करता है तुमसे, और तुम भी उससे करती हो ना, करती हो कि नहीं? तो चलो। सुनैना कहीं नहीं जाएगी राजकुमारी जी। कैसे जाएगी? और इसका इंतजाम हम जो करके रखे हैं। हम आपका भावना समझ रहे हैं, पर कहा है कि आपका बेटा नमन हमरा बेटी के साथ सही बर्ताव नहीं किया, बदतमीजी किया उसके साथ। और तो और हमरा बेटी को ये भी नहीं पता कि उसका गलती का है, उसका कसूर का है। उसका ऊपर आप भेड़ बकरी की तरह सुनैना को आधी रात हमरा चौखट पे छोड़ के चली गई। आप खुद एक माँ है, सास है, ये समझती होंगी। अगर आपका बेटी का पति उसके साथ ऐसा व्यवहार करे तो बेटी को उसके साथ छोड़ तो नहीं सकते ना। देख रही हो पंको, अरे तुम्हारे बड़े पापा एकदम ककते अमिताभ बच्चन वाला एक्टिंग कर रहे हैं। बाबू साहब, अब हम मानते हैं कि बउआ से गलती हुआ है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो भी संस्कार ही आप देखेगा, एक दिन वो सुनैना से माफी जरूर मांगेगा। सुनैना बिटिया, जब तक तुम्हारा मन है ना, तुम ये घर में रहो, फिर ये जान लो कि अब तुम ना शादीशुदा हो, और अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, आना तो तुमको वहीं है, आना है ना? शाबाश, तो ठीक है, तुमको जब तक रहना तुम रहो, और जब मन भर जाए ना इन सब से तो हमको फोन कर देना, जैसे हम तुमको छोड़ने आए थे ऐसे ही हम तुमको लेने भी आ जाएंगे। ठीक, तो फिर अब चलते हैं। हाँ चलिए जी। का आशीर्वाद नहीं लोगी है? तुम्हारी जोड़ी बनी रहे ऐसा। रूप ने हकीकत भी दिखाए। शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।